बच्चे की कहानी है, छोटे बच्चे की कहानी है, जिसका पापा हनुमान जी का भक्त होता है। वो पूजा करते करते वो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है, उस पर आस्था ज़्यादा रहती है भगवान की, तो वो दोबारा से वो जिंदा हो जाता है और बच्चे खुश हो जाता है। इसमें आपके हस्बैंड भी काम किए हैं एज ए एक्टर, तो आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और हनुमान का रोल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत लोगों ने पसंद किया है, तो आप कितनी खुश हैं? मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सर, होली पर सेलिब्रेशन कीजिए आप। जी जी, होली का त्यौहार हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा त्यौहार है जिसको सब लोग मनाते हैं, और ये खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। मैं सभी दर्शकों से, सभी देखने वालों से ये होली की शुभकामनाएं सबको देता हूं, पत्रकार बंधुओं को भी देता हूं, कि इस होली के मौके पर हम सब कुछ भूलकर एक दूसरे से गले मिलें, रंग खुशी के रंग बिखेरें एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि इस त्यौहार का मतलब ही रंग बिरंगे आयामों से है। आपको रंग बिरंगे बहुत पसंद है? जी जी, मुझे रंग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि रंग ज़िंदगी में, रंगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम एक आपने कहावत भी सुनी हुई कि लाल पीला हो जाना, तो उसमें भी रंग लगा है, मतलब गुस्से को भी रंग से ही जोड़ा गया है। तो रंग तो खुशी का एक इजहार होता है, और हमें अपनी ज़िंदगी में रंगों को हमेशा भर के रखना चाहिए। खुशी के रंग, एक दूसरे से प्यार के रंग, ये जो रंग है ये ज़िंदगी की असलियत है, और इससे आगे ज़िंदगी में कुछ है भी नहीं। एक दूसरे को खुशी बांटना रंगों का त्यौहार है। एक दूसरे पर रंग लगाइए, एक दूसरे से मिलिए, पुराने गिले शिकवे सब दूर कीजिए, यही होली का मकसद भी है, होली का त्यौहार भी यही है। थैंक यू वेरी मच।